गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एट द टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। कल जो हमने किया था वो कल भी हमने इनवर्स फाइंड किया था, बट कल डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालकर हमने डिटर्मिनेंट एडजॉइंट की हेल्प से फॉर्मूला लगाकर आपने क्या फाइंड किया था, इनवर्स फाइंड किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनवर्स ही फाइंड करना है, बट यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन या आप रो ऑपरेशन लगाओगे या फिर आप क्या लगाओगे, कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। तो इसके लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको करवा रहा हूं। देखिए, लेट्स सपोज कर लीजिए जी, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स 6 11 1 2, ये स्केयर मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ऑर्डर का, 2 बाय 2 ऑर्डर का, दैट इज मैट्रिक्स। क्लियर? यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स का आपने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास सीधा सा मेथड है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बट ऑपरेशन से क्या करोगे, हमें हमारे पास ये रिजल्ट होता है, वी नाउ दैट ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। तो आई इंटू ए ये है, तो वैसे तो मैं आई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इंटू ए लिख सकता हूँ, दिस ये हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 6 11 1 2, फिर इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 बाय 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर 2 बाय 2 का है। यहां पर ए की वैल्यू फिर निकले, यहां अपने ए ही रखना है। क्लियर? ये जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ये स्टेप फर्स्ट स्टेप सभी में क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? अब देखिए ऑपरेशन लगाने के हिसाब से आपने क्या करना है, ऑपरेशन लगाकर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देनी है ऑपरेशन लगाकर, और इस तरफ आपका इनवर्स ऑटोमेटिक बन जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका इनवर्स ऑटोमेटिक बन जाएगा ए के साथ। क्लियर? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस और जो मैट्रिक्स ए है उस पर आप ऑपरेशन लगाइए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, और जो ऑपरेशन इस तरफ लगाओगे वही यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स। क्लियर? सेकेंड, अब देखिए इनवर्स लगाना कैसे, ऑपरेशन आपने लगाना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने रो ऑपरेशन लगाना है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनाना पड़ेगा आपको, 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1। मान लीजिए मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ, तो जो फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए मेरे को, 1 आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो 1 कैसे बनेगा, देखिए अगर मैं यहाँ 5 होता तो 6 माइनस 5 1 बनता, यस बनता 1। तो मैंने इस पे ऑपरेशन लगा दिया, क्या रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, पूरी पे मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2 कब, जब मैंने रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके, रो 1 में से मैंने रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, ऑपरेशन लगाइए दोनों का। देखिए रो 1 6, रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 6 माइनस 5 1, यहाँ 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 1। क्लियर? और देखो सेकंड रो पे हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया, सेकंड रो सेम है, 1 2 1 2, यही ऑपरेशन इधर लगाइए, रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 0, 1 माइनस 0 1, और ये 5 बन जाए 5, 0 माइनस 5 माइनस 5, यही ऑपरेशन इधर लग गया, और यहां पर ये क्या हो गया, ए, यहां पर क्या हो गया, ए। क्लियर? अब देखिए यहां पे कैसे होगा, अब आपके पास ये आ गया, अब देखिए यहां फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। अब देखिए जब आपने रो ऑपरेशन लगाना तो इस एलिमेंट के हेल्प से, फर्स्ट एलिमेंट के हेल्प से इसके जो नीचे वाले एलिमेंट उनको आपने क्या करने हैं, 0। तो 1 के नीचे 1 ही एलिमेंट है, कौन है, 1, इसको आपने क्या बनाना है, 0। तो इसके लिए सीधा सा ऑपरेशन बनता है क्या, रो 2 पे ऑपरेशन लगाइए आप, रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 कौन सी है, ये रो 2 पे लगाना है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ कितना बन जाएगा, 6, ये ए एज इट इज का एज इट इज यहाँ लग जाएगा। अब देखिए ए के नीचे 0 बन गई, और सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट का, अब देखिए इस एलिमेंट हो गया, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट होता है ये भी क्या होना चाहिए, 1, यहाँ ऑटोमेटिक हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 की हेल्प से आपने इसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स क्या बनाने हैं, 0, इसके डिवाइड नीचे वो एलिमेंट है नहीं, ऊपर ही है इसके 1, इसको आप कैसे 0 बनाओगे, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दो, क्या रो 1 माइनस रो 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, इसको ऐसे लिख दिया, 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, इसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू ए।
अब देखिए यहां तक आ गया आपका। अब देखिए जब ए को इधर लेके आएंगे, ए को क्या लेके आएंगे इधर, या मान लीजिए पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो ए इनवर्स से वो सेल, तो यहाँ ए इनवर्स हो जाएगा, और जब ए इंटू ए इनवर्स होकर ये क्या बन जाएगा आई, तो आपके पास ये रिजल्ट रह जाएगा। तो आप डायरेक्टली जहां पर लिखती है ए इधर आकर क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। आप ये माइंड में बना लीजिए। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, ए से, ए इनवर्स से। जहां पर ए इनवर्स करोगे और जहां पर भी ए इनवर्स होएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, यही हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ये ए इनवर्स आ जाएगा। तो आप इसलिए डायरेक्ट यहां पर लिख दो, ए इधर इधर लिख के ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन सेकंड, सेकंड एग्जांपल और कर करते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो देखिए हमारे पास ये ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपने इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैंने बताया था ये स्टेप आपने करना ही करना है, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, ए को ए लिख दिया। अब मैंने बताया था आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाकर आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, 1। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 मिल गया हमें। अब इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, 0। जब आपने लगाने हैं रो ऑपरेशन तो नीचे वाले एलिमेंट 0 बनते हैं, अगर आपने लगाने हैं कॉलम ऑपरेशन तो साइड वाले एलिमेंट क्या बनते हैं, 0 बनते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, और रो 1 का ही यूज करना है आपने विशेषली, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। क्लियर? तो एक तरफ से 0 बनाया करेगी, दूसरी तरफ से आपकी गायब हो जाएगी, अदरवाइज ऐसे होगा आपके साथ, तो आपने ध्यान रखना है। अब देखिए इस 1 की हेल्प से मैं इसको 0 0 0 कैसे बनाता हूँ, रो 2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या रो 2 से में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, रो 1 को देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बन जाए 2 बन जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 बन जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ 2 बन गया, यहाँ 4 बन गया, यहाँ 6। अब रो 2 माइनस रो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करके मैंने सब्ट्रैक्ट करके करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए 2 बन जाए 2, 2 माइनस 2 0, ये रहे 0, रो 1 ऐसे लिख दिया मैंने। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, ये रहा 1। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1। क्लियर? आपने ध्यान रखना जो रो पहले है उसको उसका एलिमेंट पहले ही रखना है, फर्स्ट रखना है। अब देखिए सेकंड मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, रो 3 प्लस मैंने बोला रो 1 का ही यूज करना है, रो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दिया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 6, 2 4 6, 2 में 2 ऐड किया माइनस का 2 0, ये रहा 2 2 जा 4 प्लस 4 में माइनस 4 ऐड किया 0, 2 3 जा 6, 6 में 5 ऐड किया माइनस का तो क्या बन गया 1। क्लियर? तो इस तरफ ये दोनों ऑपरेशन हो गए लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में वही ऑपरेशन यहाँ पे लगाइए, देखिए रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 आ गया। इसमें रो 2 पे ऑपरेशन लगाना है, रो 2 यहाँ 2 है, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0। अब देखिए रो 3 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये तो 0 ही आएगा, इसमें ऐड कर दो 0 प्लस 2 2, ये 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 ये आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपने ये ऑपरेशन लगाकर आपने यहां तक करना है, और उसके बाद है सुनाओ हमारे पास ये आ जाएगा ऑपरेशन लगाकर। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए फर्स्ट कॉलम आपके 1 के डिवाइड में 1 के नीचे 2 0 हो गए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये डायगोनल एलिमेंट ये कितना होता है 1। अब इसकी हेल्प से इसके ऊपर वाले दोनों 0 बनाइए, नीचे वाला तो पहले से ही 0 है, इसको 0 बनाइए। जी 0 कब बनेगा, कब मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा इस पे, मैं रो 1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा क्योंकि इसको एलिमेंट 0 बनाना है। तो रो 1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने कैसे, रो 1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने क्या, रो 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करके इसमें से माइनस कर दिया, रो 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस 2 रो 2, और देखिए एक ऑपरेशन और लगा दिया, रो 2 पे ऑपरेशन मैंने लगा दिया यहां पर 0 बनाने के लिए, रो 2 माइनस रो
थ्री, ये दो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। देखिए रो वन पे अप्लाई कीजिए, रो टू को टू से मल्टीप्लाई करना है, करो जीरो टू टू, यहाँ टू टू हो गया, तो देखिए वन माइनस जीरो वन, टू है यहाँ टू माइनस टू जीरो, यहाँ टू है थ्री माइनस टू वन, क्लियर। इसी तरह से सेकंड रो टू पे लगाना है, रो टू माइनस रो जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, थर्ड रो को आपने सेम लिख लेना है। अब यही ऑपरेशन इधर लगाइए, देखिए रो टू को टू से कीजिए, टू टू जा फोर टू जीरो, अब यहाँ फोर है तो रो टू में वन में से घटाना, वन माइनस माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फाइव, यहाँ टू है जीरो माइनस टू माइनस टू, यहाँ जीरो है जीरो माइनस जीरो जीरो। रो टू पे ऑपरेशन लाया, रो टू माइनस रो थ्री माइनस रो टू माइनस रो सॉरी माइनस टू माइनस टू, माइनस का कितना हो जाएगा आपका फोर, वन माइनस जीरो वन, और जीरो माइनस वन माइनस वन, और थर्ड जो को रो है वो सेम हो जाएगी। यहां तक आ गया अब आपका। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऑलमोस्ट बनी पड़ी है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपने इस वन को रिमूव करना है, अगर ये वन जीरो बन जाता तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट। तो इस पे ऑपरेशन लगाया मैंने, रो वन पे ऑपरेशन लगा दिया, क्या मैंने रो वन माइनस रो थ्री, रो वन में से मैं रो थ्री को क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। देखिए वन माइनस जीरो रो वन पे लगाया, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, और रो टू और रो थ्री दोनों क्या हो गए सेम। इसी तरह से ये लगाओ, फाइव माइनस टू थ्री, माइनस टू माइनस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो जीरो, और देखिए जीरो माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि रो वन पे लगाया है तो रो वन में से रो थ्री, फाइव माइनस टू थ्री, माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू, जीरो माइनस वन माइनस वन, रो टू और रो थ्री दोनों क्या रहेंगी सेम, इजिकल टू क्या आ जाएगा ए। इस तरह से आपने ये ऑपरेशन लगाना है, और उसके बाद देखिए आपने क्या करना है। अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, देखिए अब आपने फाइंड करना है ए इनवर्स। तो आपने क्या करना है, देखिए जब पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे इसको ए इनवर्स से, देखिए यहाँ ए इनवर्स करोगे आप, ए इनवर्स यहाँ भी ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ए इनवर्स। तो आप सीधा से डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिए, इसीलिए ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इजिकल टू ये आ जाएगा थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस फोर, ए वन माइनस वन टू जीरो वन। तो इस तरह से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। जिस प्रकार आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया उसी तरह आप कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो, इस तरह आप इनवर्स इनके फाइंड कर सकते हो।